हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से अपनी ग्रीटिंग्स को चूज़ कर सकते हैं। मैं ऋषभ पंजाबी, मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं सीए की पढ़ाई के साथ साथ एक ट्रैवल चैनल चालू करूँ, जिसका नाम मैंने दिया वेटरनरी ब्लॉग्स, और उस पर आप मेरी ये पहली वीडियो देख रहे हैं। मेरी ये पहली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं जयपुर। जयपुर जयपुर मेरी नानी का घर है, वहाँ पर मैं वहीं पर रहूँगा। मैं वहाँ पे अलग अलग जगह घूमने जाने वाला हूँ। वो घूमने जाने की जगह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोग वहाँ पे मुझे मेरी वीडियोस में देख पाएंगे, ठीक है। और आप, मेरा नया चैनल है, मेरी पहली वीडियो है, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी बस में बैठा हूँ, जयपुर ही जा रहा हूँ। और अभी हमने अजमेर क्रॉस किया है। कल रात से मैं बस में बैठ गया था, हमारी बस 7 बजे रवाना हो गई थी, लेकिन अभी अजमेर क्रॉस किया है हमने। अभी 2 घंटे हैं जयपुर पहुंचने के लिए, तब तक आप बैठ के यहाँ के व्यूज एंजॉय कीजिए। बस से उतर चुके हैं, अब मामा आ रहे हैं मेरे लेने। मेरे को देखते हैं वो आए, और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ जाना है, प्लान करेंगे और उसके हिसाब से वापस वीडियो बनाऊंगा मैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बताया था कि हम लोग कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएंगे, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अक्षरधाम, जो सेम हमारे अहमदाबाद में भी है, वैसा ही इधर जयपुर में भी है। अब यार मैं इधर आया बाइक से, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक नया रूल है कि यहाँ पे पीछे वाला भी हेलमेट पहनता है। और भाई पीछे वाला हेलमेट पहने तो पहने, लेकिन आगे वाले को पूरा हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को आधा हेलमेट पहनना है। पर यार इसका क्या लॉजिक हुआ यार, पीछे वाला गिरेगा तो क्या आधा मरेगा? जिसने भी ये रूल बनाया है उसकी तो भाई सैल्यूट है, उसको सैल्यूट। Don't.
नीचे देख सकते हैं। ये मंदिर घूमने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेजॉरिटी सेम तो अहमदाबाद के मंदिर जैसा ही है। इधर आप आ सकते हैं, गार्डन में बैठ सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, अपनी अच्छी इमेजेस बना सकते हैं, एक अच्छी मेमोरी बना सकते हैं। बाकी इधर आरती हमने करी, आरती में बड़ा मज़ा आया, बहुत बढ़िया जगह थी ये। और बाकी अब हम लोग कल जाएंगे आमेर फोर्ट, जल महल, ये सब भी हम लोग जाएंगे। जैसे ही हम लोग वहाँ पर जाऊँगा मैं उसके बारे में आपको अपडेट दे दूँगा। और चलिए कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है सैटरडे 27th of March। आज हम लोग जा रहे हैं तीन जगहों पे। कौन सी तीन जगह? सबसे पहले जयगढ़ फोर्ट, दूसरी है आमेर महल और थर्ड है जल महल। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने प्लान की हैं। अभी हमने ओला मंगवाई है, ओला आएगी फिर हम लोग उसमें ट्रैवल करके जाएंगे। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का रास्ता है, वहाँ पे पहुँच के हम लोग जगह एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम परमिट करते हैं, हमारे पास और टाइम बचता है हमारे पास, तो हम लोग और भी कोई नई जगह जाने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे राजाओं का पूरा ये टैंक नीचे पानी स्टोर होता था, लेकिन इसी के अंदर से इंदिरा गांधी को सोना मिला गया था, ऐसा मेरे को पता चला है यहाँ से, यहाँ के लोकल गाइड से। ये वो टैंक है जिधर सोना निकला था, पूरी टैंक है, मैं टैंक के ऊपर खड़ा सारे डमरू रखे हुए हैं। मैं आपको अभी इमेज दे दूँगा, वो इमेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो डमरू कैसे युद्ध को शुरू करने के लिए यूज़ किए जाते थे। उसके बाद ये पूरा अटेंडेंस एरिया होता था इन लोग के, आर्मी सब के लिए, जहाँ पे इनका राजा के अनाउंसमेंट करता था। बाकी अब हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कैसे ये फोर्ट के डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको इमेजेस देता रहूँगा, ऐसे ही ये इमेजेस पूरे इस फोर्ट को डिपिक्ट करेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह से कुछ ज़्यादा अच्छी व्लॉगिंग हुई नहीं, तो आज सुबह से थोड़ा घर में थोड़ा नाश्ता वास्ता खाया, लंच किया, उसके बाद सब लोग थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे इसलिए सब लोग सो गए थे। अभी हम लोग उठ के निकले हैं और अभी हम लोग आए यहाँ पे जीटी मॉल में। ये पूरा मॉल आपको दिख रहा है और उसके बाद हम लोग गए वर्ल्ड ट्रेड पार्क में। हमने देखा कि वो एरिया तो बहुत बड़ी ली है उन लोगों ने, कितना बड़ा, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा कितनी बड़ी एरिया पे उन लोगों ने मॉल कंस्ट्रक्ट किया है। उनका मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनका पर्पस ये होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी कॉरपोरेट चाहे उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे बने, लेकिन हुआ कुछ और ही। वहाँ पर सारा पूरा एक रिटेल शॉप का मॉल बन के खड़ा हो गया, विच इज़ मेरे हिसाब से पूरा मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। बाकी तो अभी मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे शाहरुख खान का पैसा इन्वेस्टेड है, देखते हैं कितना कमाता है उसमें से।